धर्मशाला नगर निगम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। नगर निगम के चुनाव में देवेंद्र जग्गी को महापौर और ओंकार नेहरिया उप महापौर के पद पर आसीन हुए। चुनाव प्रक्रिया शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के पुरथी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महापौर पद पर सर्वसहमति बन गई, जबकि उप महापौर के लिए चुनाव करवाए गए। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में महापौर पद के लिए सर्वसम्मति से चुनाव हुए, जिसमें देवेंद्र जग्गी को महापौर चुना गया। वहीं उप महापौर के लिए हुए चुनाव में ओंकार नेहरिया और स्वर्णा मैदान में थे, जिसमें ओंकार नेहरिया ने 9 मतों के साथ उप महापौर का पद अपने नाम किया, जबकि स्वर्णा को 6 मतों से ही संतोष करना पड़ा। उप महापौर पद के लिए चुनाव में 15 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जबकि भाजपा समर्थित 2 पार्षद उप महापौर पद के चुनाव से क्विट कर गए। भले ही भाजपा समर्थित पार्षदों ने उप महापौर चुनाव से क्विट किया, इसके बावजूद ओंकार नेहरिया भाजपा समर्थित होने के बावजूद कांग्रेस समर्थित पार्षदों के सहयोग से उप महापौर पद पर काबिज हुए। नगर निगम धर्मशाला के कुल 17 वार्ड है, जिनमें से 14 वार्ड में कांग्रेस समर्थित पार्षद है, जबकि भाजपा समर्थित पार्षदों की संख्या 3 ही है। इनमें से भी ओंकार नेहरिया ने उप महापौर पद के लिए चुनाव लड़ा, वहीं 2 अन्य भाजपा समर्थित पार्षदों ने चुनाव से क्विट किया। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने नव निर्वाचित महापौर देवेंद्र जग्गी और उप महापौर ओंकार नेहरिया को बधाई दी। नव निर्वाचित महापौर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि पहले बतौर उप महापौर भी उन्हें सभी पार्षदों का सहयोग मिला है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी उन्हें पार्षद सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जो भी लंबित कार्य पड़े हैं, उन्हें गति प्रदान की जाएगी। बहुत बढ़िया रहा, पहले सभी और सदस्यों ने मिलकर काम किया है और सहयोग किया है, आगे भी सभी का सहयोग से आगे हम कॉर्पोरेशन के कार्य जो संपन्न करें। जो हमारे प्रोजेक्ट जो अभी तक जो पेंडिंग थे, उनको हम आगे लेके जाएंगे। जैसे कि अभी सुधीर शर्मा जी ने कहा कि जो हमारे भवन का जो इन्होंने बताया कॉर्पोरेशन के भवन का, उसको हमने शीघ्र ही उसका कार्य शुरू करेंगे। और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे सैनिटेशन सीवरेज का है, हमारी धर्मशाला की सैनिटेशन का है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी आगे अपनी गति पकड़ेंगे। सर, धर्मशाला स्मार्ट सिटी जो है 17 वार्डों में ना होकर मात्र कुछ 7-8 वार्डों तक ही सिमट कर रहेगी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी तो पूरी कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसमें 2 कंपोनेंट है, एवीडी और पैन सिटी। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो है वो कुछ वार्डों में रखी है, लेकिन पैन सिटी पूरी कॉर्पोरेशन एरिया में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट सिटी कुछ एरिया में, स्मार्ट सिटी पूरे कॉर्पोरेशन एरिया में, लेकिन 2 कंपोनेंट है, इसलिए इसको अलग अलग देखा जा रहा है। वहीं उप महापौर ओंकार नेहरिया ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्षदों का सहयोग मिला है, जबकि भाजपा समर्थित पार्षद उन्हें छोड़कर भाग गए। जिन्होंने चुनाव में साथ दिया है, उनके सहयोग से ही आगे बढ़ा जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपने पार्षदों का और पूर्व मंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जो जीता हूँ तो इनकी बदौलत जीता हूँ। और जो अंदर से ग्राउंड छोड़ के भागे बीजेपी के, हालांकि मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन उठना नहीं चाहिए इसमें। हमारे बीजेपी की बहुत बेइज्जती की बात है कि जब हम फंस गए तो वो भागे हैं, तो किस उस एंगल से हम उनकी कभी मदद कर सकते हैं? लेकिन नहरी जी, पूर्व में तो आप बीजेपी से आपकी वो रही, लेकिन आप वर्तमान में आप डिप्टी मेयर बने, तो आप क्या आप कांग्रेस समर्थित पूरी तरह से हो चुके हैं या अभी भी आप भाजपा में हैं? मेयर डिप्टी मेयर पूरी जनता के, पूरी हम जनता का काम करना है, लेकिन हमने मिलजुल के करना है। ये इसके लिए नहीं कि मैं बीजेपी छोड़ के इसमें चला, लेकिन मेरा इस टाइम तो मैं इस टाइम अभी तक तो इनके नीचे हूँ, क्योंकि इन्होंने जो मेरी मदद की है और मैं उसका आभारी हूँ। भाजपा नहीं छोड़ी मैंने, भाजपा मुझे छोड़ के बाहर चली गई। आपका फोन आने से अंदर से वो भाग के बाहर चले गए, मेरे को बहुत दुख हुआ है। मेरे को जीतने की खुशी नहीं है, मेरे को तो उनके बाहर जाने की बहुत। किसका फोन? किसी का भी आया ऊपर से कोई? आप कहना चाह रहे हैं कि पूर्व मंत्री किशन? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी फोन आया। और मैं इसके साथ साथ यूडी मिनिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ, उनका भी थोड़ा हमारे को सहयोग है। नहीं तो आपको क्या पार्टी का भाजपा का सहयोग नहीं मिला इन चुनावों में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी का फोन नहीं आया, जब से जीता हूँ तब तक नहीं आया आज तक। क्या लगता है भाजपा विफल हो गई? नहीं, उनकी सोच है, मैं तो ऐसे बोलूंगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सुधीर शर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौर के नेतृत्व में नगर निगम तरक्की की राह पर अग्रसर होगा। ये उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित है, क्योंकि भाजपा ने तो आज वॉकआउट किया इलेक्शन का, उनके पार्षद चले गए। तो
दोनों चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जो है जिम्मेवार व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में जो नगर निगम धर्मशाला है वो और आगे तरक्की करेगा। हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा इनके अनुभव के चलते। सर, प्रदेश में जो भाजपा सरकार है और यहाँ पे जो काफी मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो कांग्रेस के हैं, तो क्या ये काम कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे, अपने आप में ये सरकार है, इनका अपना एक्ट है, इनके अपने अलग फंड्स हैं और जो इनकी इनका संविधान अलग है। जो SPV बनी है स्मार्ट सिटी की, उसके पूरी कैबिनेट की पावर्स उसको हैं, ये पता होना चाहिए कि हमारी शक्ति क्या है। तो मैं जैसा मैंने आपको कहा, दोनों ही अनुभवी हैं, इनको पता है अपनी शक्तियाँ और उनके चलते जो है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को ये अंजाम तक पहुँचाएंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरिपजीत निप्पे की रिपोर्ट।